सो गाइस, कम भी नहीं, इतने सारे पौधे हैं मेरे पास, देखिए आप। तो यहाँ पे थोड़ी सी टमाटर की चटनी है, एक टमाटर की, ठीक है। इसमें मैंने दही ऐड कर दिया है और यहाँ पे रायता बन रहा है, दही डाला है ऊपर से। वाह, एक बैग ये वाला है, इसमें सारी की सारी और चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, सब को मैंने यहाँ पे इस तरह ऊपर से इसका कुछ बिछा दिया। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलक। सो यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी, ठीक है। तो ब्लॉग साथ साथ ही बनाती रह रही हूँ, चलिए फिर अंत तक बने रहिए। तो ये वाला बड़ा बैग हो गया तैयार, ठीक है। ये मैंने पूरे अच्छे से कर दिया। एक छोटा बैग होगा, एक खाने वाला बैग अलग से होगा, हो ही जाता है सामान तो ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ना थोड़ा सा ये चटनी बनाई थी मैंने टमाटर की, ठीक है। उसमें 1 चम्मच दही ऐड कर दिया है तो वो काफ़ी अच्छी खट्टी मीठी बन गई है। और यहाँ पे मैं रायते के ऊपर अभी मैंने हल्के मसाले डाले हैं, इसको मैं फटाफट से ना मिक्स कर लेती हूँ सब, ठीक है। अभी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हो गया है रायता भी मिक्स और दही इसमें ज़्यादा हो गया है, तो वैसे भी अच्छा होता है, ज़्यादा दही डाल के और टेस्टी लगता है ना। तो यहाँ पे हो गया है मेरा सारा चीज़, अब सिर्फ चावल ही हैं। तो चावल साइड ही मैंने रख भी दिए हैं, बस हो गया। तो आधी पैकिंग पैकिंग तो हो ही चुकी है पूरी, बस खाना भी पैकिंग होने वाला है, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। तो गैस, कल ही मैंने ना इन पे जिनमें जितनी मिट्टी लगनी थी मिट्टी डाल दी और पानी वानी सब डाल दिया। लेकिन अब ना पता है, सच में बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे सूख जाएंगे ना कोई, तो मेरे को वो चीज़ बड़ी अजीब लग रही है। वैसे तो मैं इनको अच्छे से रख के जाऊंगी, पानी वानी की कमी ना हो इनको किसी को, इसलिए क्योंकि ना बहुत मेहनत से पहले हो ही नहीं रहा था, अभी थोड़ा ग्रो हो रहा है, तो अब बड़ा अजीब सा लग रहा है। घर से आने के बाद पता नहीं है सूख उख जाएंगे ना, तो ज़्यादा दुख होगा क्योंकि ना किसी चीज़ को भी, ये देखिए कितना प्यारा, अब ग्रो कर रहा है ना, ये देखिए नई नई कलियाँ आ गई हैं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ये लंबा हो गया थोड़ा, और ये भी इतना लंबा हो गया है, राउंड करके कर रखा है मैंने, और ये दोनों हो गए इतने बड़े बड़े। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो देखती हूँ उनको क्या करती हूँ, मैं कहाँ रखती हूँ। वैसे तो मैंने अरेंजमेंट कर लिया, मिट्टी लाई हूँ, इसको भिगा के इसके ऊपर सारे ऐसे करके इनको रख के जाऊँगी, ताकि मतलब पानी डाल दूँगी इसमें कि ताकि इनको पानी की वो ना हो। अब देखती हूँ कैसे रख के जाती हूँ बकाया, क्योंकि सूरज की रोशनी भी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो सड़ जाएंगे अंदर अंदर रखे। तो ये देखिए कितने क्यूट से हो रखे हैं। हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने बना ली है दाल, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बचा है घी, जो रोटी में मैं लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने आटा गूंथ के रख दिया। काला क्या है यार, ये देखिए जो मैं डालती हूँ ना उस पर, सुखा के लाए थे घर से, खुशबू आती है इसमें कुछ, इसको बोलते हैं दूना है ये, ठीक है। और यहाँ पे सूखा आटा, अभी थोड़ी देर के बाद रोटी बनाऊंगी। और यहाँ पे लंच की भी तैयारी कर दी है साथ साथ ही मैंने, क्योंकि साथ साथ ही बनाऊंगी, पैकिंग भी कर दूंगी और लंच भी हो जाएगा। ये खीरा निकाल के रख दिया। और यहाँ पे सबके फेवरेट पहाड़ियों के, अब आप लोग जानो ना जानो, ये हैं आलू के गुटके, ठीक है। और यहाँ पे है, जज करो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है यार, मुझे तो और भूख लग गई इसको देख के। ये है काले चने और आलू की सब्जी, ठीक है। ये रास्ते के लिए, मेरा रास्ते के लिए भी बन गया साथ साथ ही। और अब चावल बनाती हूँ, फिर रोटी रास्ते के लिए बनाऊँगी, बकाया चावल और दाल और सलाद और थोड़ा सब्जी यहीं खा के जाएंगे, बकाया मैं रास्ते के लिए भी बनाती हूँ। पहले पूरी बनाने का आइडिया था, फिर उसके बाद मन नहीं किया, तो रोटी सब्जी
और अभी एक चीज़ और भी बची है, ठीक है, टमाटर की चटनी बनाई है मैंने, उसको भी दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। और रायता जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, पहाड़ी स्टाइल में बनाऊँगी, ठीक है। आधा बन चुका है रायता, यानी कि मैंने ककड़ी अच्छे से कद्दूकस कर ली है, बस दही वगैरह डालती हूँ, मसाले डालती हूँ, तो थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ आपको। ओके, क्लीन होने के बाद, सब कुछ क्लीन करने के बाद रसोई इस तरह मैंने क्लीन कर दी है, पूरी साफ सफाई कर दी है, और चलते हैं फिर अब, ठीक है। बोलो बाय बाय गाइस, हम चले घर को, बोलो बाय बाय बाय।